जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। आजकल बाहर ज्यादा टहल रहे हो? कहाँ ज्यादा रहता हूँ, ज्यादातर तो तुम्हारे ही साथ होता हूँ। बोंगो, तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो? ओके, इट्स ऑल राइट। एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा सनी। क्या बात है माँ, अब उदास क्यों बैठी? उदास ना हो तो क्या करूं बेटा, इस घर में कोई खुश होने वाली बात भी तो नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? वही सनी। सनी, अब क्या किया उसने? करना क्या है बेटा, एलियन की रिसर्च के नाम पर सारा सारा दिन कमरे में बंद रहता है, और कहीं बाहर भी जाता है तो बताकर नहीं जाता। अब तो उसके दोस्त भी एलियन के नाम से उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। मजाक उड़ाते हैं? हाँ बेटा। अब तू क्यों बोल रहा है? मैंने कहा था ना कि मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है, देखा डांट पड़ गई ना, ये सब तुम लोगों की वजह से। चलना सनी, छोड़ ना, तो हम लोग के साथ थोड़ी रोज रोज क्रिकेट खेलने आता है। तू अपने उस बंद कमरे में एलियंस पर रिसर्च करने में तो लगा आगे। सनी, वो दिखता कैसे? क्या उसके एंटीलर्स है और वो ब्लू कलर का है? वो बोलता कैसे? वो कितना लंबा है? 2 इंच। उस दिन सनी के कुछ दोस्त आए थे, वो सब लोग एलियन की शक्ति भी उस दिन कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। आप फिक्र मत करो, मैं सनी से बात करूं। ठीक है बेटा। हेलो जी, जिमी साहब, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा साहब, कहिए क्या हाल है? बस अच्छा हूँ, एक जरूरी काम था आपसे। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? जिमी साहब, क्या आप शक्ति को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज सकते हैं? अरे ऐसी क्या बात है मल्होत्रा साहब, मैं खुद उसे आपके पास छोड़ जाता हूँ। थैंक यू जिमी साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, माय प्लेजर। शक्ति, देखो शक्ति बेटे, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती, लेकिन बेटे कुछ बातें ऐसी होती है जो बड़ों के साथ शेयर कर लेना ही बेहतर होता है। अब हमारा सनी आजकल ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये तो मैं खुद बताता नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम उसके दोस्त हो ना बेटे, तो बताओ वो आजकल ऐसा क्यों कर रहा है?
देखो बेटे, अगर तुम भी नहीं बताओगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी नहीं पता कि ये सब सनी के साथ क्या हो रहा है। उस दिन स्कूल में नीचे आओ सनी। देखो सनी, मैं जानता हूं कि एलियन पर रिसर्च करना तुम्हारा शौक है और एक बाप होने के नाते मैंने कभी भी तुम्हारे शौक को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन बेटे बेहतर होगा अगर तुम्हारे शौक को तुम शौक तक ही सीमित रखो। उसे इस कदर पागलपन की हद तक मत बढ़ाओ कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। बेटे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, और तुम हमें ही नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा, हमसे छुपाओगे? बेटे अगर तुमने हमसे दूरियां बढ़ाई समझेंगे कि एक बिन मां के बच्चे की हमने अच्छी तरह से परवरिश नहीं की। आई एम सॉरी बाबा। हमें किंग टोंगो से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। हाँ ठीक है, लेकिन किंग जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। कितना पीसफुल प्लेनेट है अपना, ना कोई झगड़ा ना कोई दुख। जूम जपाटा, जूम जपाटा, कहिए क्या खबर है किंग? हमने उन सब के किंग्स को खबर कर दी है कि वो अपने प्लेनेट में अनाउंस कर दें कि अरेंगो की मदद करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। गुड। लेकिन किंग टोंगो, हमें प्रिंस बोंगो की फिक्र हो रही है कि अकेले उन्हें अरेंगो जैसे चालाक और बुरे आदमी का सामना करना पड़ रहा है, उस जैसे शख्स का कोई भरोसा नहीं। आप बेफिक्र रहें, मैंने उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी है और वो हर मुश्किल का सामना करने में माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो अरेंगो को ढूंढने में लापरवाही नहीं करेगा। आप इत्मीनान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंस बोंगो जल्द से जल्द अरेंगो का पता लगा लें। देख मीना, सनी, सनी
चलना, खेलते बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं खेलना। चलना, अरे यहाँ अकेले अकेले बैठे क्या करेगा? उसका मूड नहीं है खेलने का, क्यों जबरदस्ती कर रहा है? चल 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 चल, चल। खुद फोन करके मुझे अपने पास बुलाया और सब कुछ सर सर पूछा। लगा कि मैं बड़ों के सामने झूठ नहीं कह सकता, तो मुझे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ा। आई एम सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। ठीक नहीं किया तुमने, देखता हूं कब तक बचोगे। ये ठीक नहीं हुआ, अपने आदमी को वापस बुला लो वरना मैं ज़पाटा को मिटा के रख दूंगा। हम तुझे सुधारना चाहते हैं एरेंगो। मुझे सुधारोगे तुम? वापस बुला लो, कोई फायदा नहीं, वरना पछताओगे किंग। अगर एरेंगो से टकराओगे तो वक्त से पहले मिट जाओगे। इतनी बड़ी बातें ना कर एरेंगो, तू अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि ज़पाटा जैसे एडवांस पावर से टकराए। खुद को देख और लौटा, हम तुझे अपने बेटे की तरह रखेंगे। कुछ नहीं होगा तुमसे, मैं इतना कमजोर कर दूंगा कि तुम ये सोचने की हालत में भी नहीं रहोगे कि टकराना है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ किंग, जिसने भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश की वो बड़ी भयानक मौत मरेगा। सनी सनी सनी, ए सनी, मैंने कहा ना मुझे जल्दी है। अरे चले जाना, लेकिन दो मिनट तो रुक। क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे घर जल्दी पहुंचना है। यार सनी, तू एक ही बात पर अटका हुआ है, तूने क्लासरूम में भी मुझसे बात नहीं की। मैंने बोला ना आई एम सॉरी। अब बता मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, बस मुझे यहाँ से जाने दे। हे भगवान, अब तू ही मुझे बता मैं क्या करूं? इस बाप और बेटे के बीच मैं बेचारे गरीब पीस रहा हूँ। हाय शक्ति। बाय मैम। चलती आज शक्ति टीचर ने जो आज हमको मैथमेटिक्स सिखाया है ना, उसमें से बहुत से पॉइंट्स मुझे समझ नहीं आए, तो मुझे समझा दोगे? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर चलती। हे माया, काई को पका रही है, काई को मैं दिमाग का नहीं कर रही है, ऑलरेडी मैं भेजे में इतनी सारी टेंशन है। ये शक्ति, तुम हमेशा क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो? अगर अभी से तुम्हारा ये हाल है तो जिंदगी भर कैसे साथ निभाओगे? क्या साथ? ए रुक रुक, इतने आगे कहाँ चली गई और कौन से साथ की बात कर रही है तू? हे भगवान, तेरा साथ देने के लिए तो कोई अंधा भी इनकार कर देगा। भगवान ने एटलीस्ट मुझे दो आंखें दी है, अब तू मुझे माफ कर। माफ? शक्ति तुम इतने बुरे इंसान हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिल में क्या इज्जत है लड़कियों के लिए, मुझे अब पता चला। ए माँ, तू अब प्लीज जोर जोर से रोना बंद कर, रोना सारे स्कूल में मेरा एक मजाक बन जाएगा। तुझे मेरे मैथमेटिक्स के पॉइंट्स है ना, मैं तुझे मैथमेटिक्स के पॉइंट्स और फॉर्मूला सब कुछ सिखा दूंगा। तो प्लीज तू रोना बंद कर, प्लीज तू जोर जोर से रोना बंद कर, अगर किसी ने भी देख लिया तो मेरे स्कूल में मजाक बन जाएगा। अरे हंस, तू हंस गया आज। हे भगवान, थैंक यू, दोनों हंस गए। चलो हेलो बेटा, आप लोग एलियंस के बारे में जानते हो? आप है कौन? मैं एक टीचर हूँ। टीचर? Thank you.
चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है।